हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो आज मैं आलू पराठे बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ले लिया है मिर्ची, लहसुन, अक्खा धनिया और सौंफ, और आलू बॉईल कर लिए। ये जो मैंने सब लिया है मिर्ची वगैरह, वो मैं मिक्सर में चला लूँगी, उसका कोर्स सा पेस्ट बना लूँगी। और मेरी बेटी ना स्टफिंग वाला पराठे इतने खाती नहीं है, मतलब अच्छे से खाती नहीं है, इसलिए फिर मैं उसको एक आलू को मैश करके उसी में मतलब आटा लगा लूँगी, तो वो खा लेती है, वो अच्छा लगता है, मतलब एकदम नरम सा पराठा बन जाता है। तो मैंने आलू को मैश कर लिया है, उसमें थोड़ा आटा डाला है और मिर्ची, हल्दी, नमक डाला है, और फिर थोड़ा सा तेल डाल के उसको गूंथ लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू के मॉइस्चर से ही वो अच्छे से गूंथ जाता है पराठा, और काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा लगता है ये वाला भी पराठा। फिर मैंने आटा अच्छे से गूंद के साइड में रख दिया था उसको रेस्ट करने के लिए अराउंड 15-20 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे हमारे मसाले की स्टफिंग कर रही हूँ मैं, तो मैंने तेल में डाला है कड़ी पत्ता, और जब कड़ी पत्ता अच्छे से हो जाएगा तो मैं वो जो मैंने दिखाया था मिर्ची, लहसुन और खड़ा धनिया और सौंफ, उसको मैंने पीस लिया था मिक्सर में, वो डाल दिया है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और जब ये अच्छे से भून जाएगा तो मैंने इसमें डाला है हल्दी, नमक और जीरा पाउडर, और इसमें लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज ली थी। और फिर मैंने आलू मैश करके इसमें डाल दिया था। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आलू जितना ज़्यादा भूनेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये तो। और फिर बाद में मैंने जो घर में दही बनाया था वो थोड़ा सा बाकी था, तो मैं उसको फेंट ले रही हूँ, तो मैं तड़के वाला दही बना रही हूँ। तो मैंने दही में नमक और जीरा पाउडर डाला है और उसको फेंट लिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, मतलब बहुत थोड़ा सा पानी डाला था। फिर अब मैं उसमें तड़का दूंगी, उसमें मैं डालूंगी राई और हींग और कड़ी पत्ता। हींग का तो किसी में भी तड़का बहुत अच्छा लगता है, ये तड़के वाला दही बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये तो सिर्फ सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो मैं तो गर्मी के दिनों में खाती थी मतलब सिर्फ रोटी और ये तड़का वाला दही। फिर यहाँ पे मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने आटा ले लिया, जो हमने मसाला बनाया था वो भी हो गया था, तो मैंने उसमें धनिया ऐड कर दिया था। फिर मैं मेरी बेटी के पहले पराठे बना के रख देती हूँ, खाएगी तो वो एक ही, बट मैं सभी बना के रख दूँगी, क्योंकि जो आलू का पराठे वाला डो रहता है ना, वो थोड़ा काला पड़ जाता है, मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, इसलिए फिर मैं तीनों बना के रख देती हूँ, तीन बन जाएंगे इस आटे के। अदरवाइज़ कोई दूसरे मतलब दूसरा पराठा रहता है तो मैं वो डो रख देती हूँ फ्रिज में, और उसको गर्म ही पराठा देती हूँ। और ये पराठा बनाने के बाद मैंने गैस नॉब ऑफ कर दिया, और उसके बाद तो ट्रेजिडी ही हो गई। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं अभी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी और मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, तो फिर मैंने मेरे बनाने के लिए मैंने नॉब स्टार्ट किया, तो वो बाहर ही निकल गया, ये पूरा बाहर निकल गया था, और मुझे बहुत डर लग गया, क्योंकि मैं अकेली थी मेरी बेटी के साथ घर में, तो मैंने नीचे से रेगुलेटर ही बंद करके रख दिया, कि मतलब कुछ पता नहीं गैस ऑन है कि ऑफ है कि क्या हुआ है। फिर उनके आने के बाद उन्होंने चेक किया, और फिर वो शायद ऑफ ही था वो गैस, मतलब ऑन नहीं हुआ था, तो अभी उसको भी ठीक करवाना है। और मैंने फिर कुछ शूट भी नहीं किया था, सिर्फ मेरी प्लेट मैंने शूट कर ली थी। अब मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अभी इस साइड वाले गैस पे बना रही हूँ, क्योंकि वो वाला गैस का तो नॉब भी निकल गया है, वो ठीक करवाना है। तो मैं आज मसूर की दाल बना रही हूँ, मतलब ड्राई वाली, तो मैंने उसके लिए प्याज, लहसुन और टमाटर कट कर लिया है, और धनिया, और मैंने मसूर की दाल को अच्छे से धो लिया है 2-4 पानी से, और तेल में मैंने डाला है राई, और उसके बाद मैंने लहसुन और प्याज डाला है, जब वो अच्छे से भून जाएगा तो मैंने टमाटर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने ड्राई स्पाइसेस ऐड किए, जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और गरम मसाला नहीं डाला है, और सिर्फ ये दाल डाल दी है। और इसमें मतलब पानी अभी नहीं मैंने ऐड किया, बीच बीच में मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा सा एक दो चम्मच ऐसे पानी ऐड किया था, क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मुझे एकदम गलगली नहीं बनानी थी, ऐसे अलग अलग सेपरेट हो वैसे बनानी थी, तो मैंने वही बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो मैंने अराउंड हाफ ग्लास ऐड किया होगा पूरा टोटल मिला के। और मेरी बेटी के लिए मैं ये चीज़ पराठा बना रही हूँ, मैंने पराठे के ऊपर चीज़ ऐड कर दिया है, तो उसको मैंने एग के साथ दे दिया था। यहाँ पे हमारा भी डिनर बनके तैयार है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।